सो गाइस देखिए पहले आप सभी को करना है गाइस, देखिए मैंने बैकग्राउंड गाइस पूरा मैंने पीएनजी सब कुछ लगा रखा है पहले से ही, तो ताकि गाइस आप सभी को ज़्यादा टाइम नहीं लगे। सो गाइस करना है आप सभी को ये बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है अपने मॉडल को लेना है गाइस, ठीक है। एंड गाइस मैंने अपना बैकग्राउंड गाइस मतलब पूरा ढंग से नहीं इरेज कर रखा है, बिकॉज गाइस ये जो हमारा सेकंड वाला जो पैर है, जो हमारी इस साइड आ रहा है, इस वाले को हमें इरेज करना है, इसलिए मैंने इसको मतलब इतनी मेहनत नहीं करी यार, क्योंकि अब भाई अब इतना टाइम तो यार है नहीं यार, तो थोड़ा मतलब टाइम बचाने के लिए यार मैंने इरेज कर दिया। तो गाइस इसको इरेज करने के बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, इस तरीके से आपको अपने बाइक के साइज में मतलब कि गाइस जो आपका लैग उस साइड दिखे, इसलिए आप सभी को इस तरीके से इरेज कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो आपको ऐसे बाइक का हैंडल है जो इसको भी इरेज कर लेना सिंपली इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस मैं अभी पूरा प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज गाइस क्योंकि मैं एक बार एडिट कर चुका हूँ गाइस, मैं आप सभी को मैं सिंपली समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से, इसलिए मैंने गाइस ये बनाया। तो मैं अभी पूरा मतलब यार ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि रेज में, तो इसलिए मैं पूरा प्रॉपर नहीं कर रहा, ठीक है गाइस। उसके बाद ये करने के बाद डन कर लेना है, उसके बाद जाना सभी को एडजस्ट में एंड एडजस्ट की ब्राइटनेस कम कर देना है एंड जाना है इन्वर्ट कर देना है, ब्रशेज में जाना है। ब्रशेज में जाने के बाद गाइस आप सभी को ये ना पैर के नीचे पहले एक शेडो क्रिएट करनी है, देखिए पहले एक ये वाली ओके, तो सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है, सिंपली इसका ओपेसिटी आप सभी को इतनी रखनी है गाइस, ठीक है। सो इसको रख लेना है एंड इसके बाद गाइस आप सभी को दोबारा जाना है टूल्स में जाने के बाद गाइस दोबारा एडजस्ट में जाना है एंड इसकी ब्राइटनेस को जीरो कर देना है एंड कर देना इन्वर्ट एंड जाना है दोबारा जूम करके एंड गाइस इस तरीके से आप सभी को ऐसे मतलब हल्का हल्का ड्रॉ करते हुए इस तरीके से आपको अपने पूरे पैर के नीचे शेडो क्रिएट करनी है दोनों साइड में, ओके। सो दोनों साइड में कर लेना एंड उसके बाद क्या करना है गाइस आप सभी को, पहले इसको मैं कर लेता हूँ पूरा, ओके। सॉरी ये तो ज़्यादा ऊपर तक चला गया, तो मैं पहले इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, ओके। सो इसको इरेज करने के बाद गाइस आप सभी इसकी ओपेसिटी रखनी है गाइस थोड़ा 73 तक, ओके। सो यहाँ तक हो गया है, तो गाइस आप सभी को करने का एड फोटो में जाने का एक पार्टिकल का पीएनजी लेना है, ओके। सो गाइस अभी तो है ना यार थोड़ी हमारी फोटो थोड़ी बेकार सी लग रही है, बट गाइस जब हम इसको रीटच करेंगे ना लाइटरूम ऐप के अंदर, तो गाइस आप बता नहीं सकते कि यार मतलब यार क्या ही बोलोगे, अच्छी लगेगी काफ़ी, ठीक है। जैसा आपने थंबनेल में देखा ना सेम वैसी लगेगी। तो पहले इसको हम इन्वर्ट इसको हम पहले स्क्रीन कर देते हैं एंड उसके बाद गाइस आप सभी को चलते हैं हम कलर करेक्शन करने। तो पहले करता है फोटो यहाँ से सेव ड्रॉ टूल में जाके, ओके गाइस। सो यहाँ से सेव कर लेना है एंड सिंपली चलना है लाइट रूम ऐप के अंदर। सो गाइस आप सभी को अभी तक यार लाइक नहीं की नहीं आपने वीडियो को, तो यार वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि यार आप सभी के लिए यार मैं इतनी मेहनत करके यार कंसेप्ट बनाता हूँ ना यार, तो यार मतलब कर दो यार लाइक, है ना। तो यार चैनल पर नए हो ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यार हम 2000 सब्सक्राइबर के ना बहुत करीब हैं, तो यार 10 के सब्सक्राइबर भी करने तो पहले 2000 करने पड़ेंगे, तो इसलिए यार सब्सक्राइब करो 2000 करो, फिर 10 के भी आप करीब आई दोगे मुझे पता है। तो चलिए गाइस हम चलते हैं लाइट वाले ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देते हैं, हाईलाइट्स को कम करते हैं एंड शेडो को कम करते हैं एंड ब्लैक को भी कम कर देते हैं। चलते हैं नीचे वाले टूल में, वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं, मिक्स में चलते हैं, ओके गाइस। तो येलो कलर में चलते हैं, इसकी सैचुरेशन को माइनस करेंगे, ग्रीन कलर की सैचुरेशन को माइनस करेंगे, ब्लू कलर की भी एंड पर्पल कलर की भी एंड उसका पिंक कलर की भी, ओके। सो ये गाइस देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में हो गई, तो एंड जाएंगे ऑरेंज कलर में, सैचुरेशन कम करेंगे, ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे एंड कर देंगे डन, ओके गाइस। सो जाएंगे हम नीचे वाले टूल में, फोटो की क्लैरिटी को बढ़ा देंगे, ब्रज को बढ़ा देंगे और फोटो में विगनेट डालेंगे, विगनेट से गाइस जो लुक आएगा ना हमारे फोटो में देखिए गाइस, ठीक है। ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देंगे, ओके। सो उसके बाद जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस को बढ़ा देंगे गाइस, ओके। सो उसके बाद बढ़ा देंगे गाइस हम इसे नॉइज रिडक्शन को एंड कलर रिडक्शन को बढ़ा देंगे। सो गाइस देखिए बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ मैं आप सभी को भी एंड उसके बाद देखना गाइस, ये देखिए गाइस पहले अब ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ओके गाइस। सो वीडियो यहाँ तक हो चुकी है, बस गाइस आप सभी को करना है चैनल को सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।